नोएडा से हूँ. मैंने इन्वेस्ट किया है NPX सेक्टर 153 और कॉस्मिक 154 में. इट्स अ कमर्शियल यूनिट, IT के लिए किया था और अभी तक 5 साल हो गए हैं हम लड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिला है NPX में. और टोटल हरासमेंट है बिल्डर की तरफ से. और जो 154 में जो प्रोजेक्ट है कॉस्मिक का, उसमें तो वो पता चला है कि लैंड ही जो है जो बिल्डर ने उसने ख़रीदी नहीं है, तो इट्स अ टोटल लॉस. पूरे पैसे लेके कुछ भी नहीं हाथ में है. और क्या बड़ी समस्याएं हैं आपको, तक कहां कहां आपने अपील करी? हर जगह जाके अपील किया है, नोएडा अथॉरिटी में किया है, कोर्ट में किया है, कोर्ट की तरफ से मदद मिली है. लेकिन अब इस स्टेज तक पहुँच गए हैं कि अगर नोएडा अथॉरिटी इंटरवीन करे तो डेफिनेटली मदद हो सकती है, बिल्डर और हमारे जो है एग्रीमेंट करा सकती है. इट्स नॉट सच अ बिग इशू. अगर बिल्डर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे और बायर्स भी करें तो आई थिंक इट कैन बी सॉल्वड. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे इतने सारे बिल्डर्स के अगेंस्ट जो सफरर्स खड़े हुए हैं, एसोसिएशंस आई हैं और यहाँ पे आके RRM की वजह से इकट्ठे हुए हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं इकट्ठी पता चली हैं, कॉमन प्रॉब्लम. एक दूसरे से हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में और एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो कोर्ट के कैसे अप्रोच करना है या अथॉरिटी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है. आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट वे टू स्टे यूनाइटेड. आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट जॉब बाई RRM.